ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण जब बात करते हैं, जब किसी को देखते हैं, यानी व्यवहार के समय में भी उनकी आत्मदृष्टि, ब्रह्म दृष्टि विचलित नहीं होती है, स्थिर रहती है। उनकी नज़र हाड़ मांस के शरीर पर नहीं रहती है कभी भी। सब माँ हैं, ये भाव उन्होंने पूरी तरह धारण किया हुआ है। यह ही संदेह भंजन की निशानी है, स्थित प्रज्ञता की निशानी है, जहां सर्व समय सर्वत्र सर्व में ओतप्रोत चिन्मय तत्व ही नजर आ रहा हो, अंदर बाहर, जहां मन की लहरें राग द्वेष की, अच्छा लगना बुरा लगना, पसंद नापसंद की, इच्छाओं की वासनाओं की, अपेक्षाओं की, यहाँ तक कि सात्विक इच्छाओं अपेक्षाओं की भी समाप्त हो चुकी होती हैं। मन स्थिर है आत्मस्वरूप में, खो गया है, खत्म हो गया है स्वस्वरूप में। राजा निमि महर्षि वशिष्ठ से यज्ञ करवा रहे थे। एक बहुत बुद्धिमान राजा, एक बहुत बुद्धिमान महर्षि, स्थित प्रज्ञ महर्षि, वशिष्ठ जी ने राजा से कहा कि मैंने किसी और यजमान के यहाँ भी जाना है, उसको वचन दिया है, अभी मैं यज्ञ यहीं रोकता हूँ, थोड़ी देर में वहाँ का कार्य खत्म करके वापस आके इसको पूरा करूँगा। वे चले जाते हैं। राजा को क्षोभ नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है, वे गुरु हैं, ठीक है। पर इस बात पे भी विचार करते हैं कि ये सत्कार्य बीच में अधूरा रह गया है, शरीर है नहीं है भरोसा नहीं, एक क्षण का भी भरोसा नहीं, तो इसको पूरा करवा लेते हैं किसी दूसरे ब्राह्मण के द्वारा, जो भी करते हैं। वशिष्ठ जी वापस आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि वो यज्ञ तो अमुक अमुक ऋषि ने पूरा कर दिया है। उन्हें क्रोध आ जाता है।
ऋषियों का, ब्रह्म ऋषि का क्रोध पानी पर लकीर मात्र होता है। दिल से वे किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं और उनकी दृष्टि नित्य में स्थित होती है। परमात्मा खुद उनमें बैठकर उनकी मन की भावनाओं को जगाते हैं ताकि जगत कल्याण हो सके। तो उस पानी पर लकीर जैसे क्रोध से वे राजा निमि को शाप दे देते हैं कि तेरी मृत्यु हो जाए। उस यज्ञ में कई देवता आए हुए हैं जिनको उस यज्ञ से कुछ अपेक्षाएं हैं। राजा निमि देह छोड़ देते हैं, देवताओं को दुख होता है। छोड़ने से पहले हालांकि राजा निमि भी रिएक्ट कर लेते हैं, वहां पर भी पानी पर लकीर खींचती है। वे भी वशिष्ठ मुनि को श्राप दे देते हैं कि आप भी मर जाओ। इधर वशिष्ठ मुनि चले जाते हैं, उधर राजा निमि चले जाते हैं। देवता दुख हैं, दुखी हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये क्या हुआ भाई। भगवान की प्रेरणा से वे राजा निमि को उनकी जीवात्मा के साथ बात करते हैं कि हम चाहें तो आप अभी जीवित हो जाएंगे, इस शरीर में आप वापस प्रवेश करिए, यह विधि है। राजा निमि हाथ जोड़कर मना कर देते हैं कि मेरे गुरु की कृपा से मैं इस सीमित शरीर के बंधन से मुक्त हुआ हूँ और विराट में स्थित हुआ हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगा। गुरु का श्राप उनको मुक्ति दे देता है। जब आप शरीर छोड़ते हैं तो आपका जो मन बुद्धि आदि हैं, जितनी परिपक्वता लेकर छोड़ते हैं वो तो रहेगी ही ना। और राजा निमि बहुत परिपक्व हैं आत्मज्ञान में, एक थोड़ा सा हल्का सा कहीं अहम या ममता रह गए होंगे। गुरु वशिष्ठ ने श्राप नहीं दिया, असल में आशीर्वाद दिया कि तुम मुक्त हो जाओ। उधर गुरु वशिष्ठ का जन्म भी एक नए परिवार में होता है, एक नए ऋषि के घर होता है, जहां वो बाद में दशरथ जी के, राम जी के गुरु बनते हैं। वो भी राजा निमि का श्राप नहीं था, गुरु को आशीर्वाद था। भगवत प्रेरणा से आगे आने वाली जो घटनाएं हैं वो घटी। राजा निमि मुक्त हुए, वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु बने। यहां हम वापस श्री रामकृष्ण की बात पर आते हैं। संदेह भंजन जब होता है तो शरीर से भी आसक्ति नहीं रहती है। आत्मस्वरूप में जब स्थिति है तो शरीर चला जाए आपको क्षोभ नहीं, वापस शरीर में पैदा होने की इच्छा नहीं रहेगी। इस शरीर में हम हैं ही इसलिए, इससे जो आसक्ति है, इसकी जो ममताएं हैं, इसने जो संबंध मान रखे हैं, जो असंख्य कल्पनाओं में ये फंसा है ये मन,
उस कारण से ये शरीर और इसके सारे अनुभव दिए जाते हैं। पर जब इन सब की ज़रूरत खत्म हो गई, जब आत्मदर्शन हो गया, तो वापस शरीर में जाने का मन ही नहीं करेगा। क्यों फंसूं जाकर इस हाड़ मास के सीमित शरीर में? मैं तो विराट हूँ, मैं तो भगवद अंश हूँ, मैं तो कृष्णांश हूँ, वापस से अमुक अमुक क्यों बनूँ? वापस से अहम को ग्रहण क्यों करूँ? और एक उदाहरण लेते हैं, बहुत खूबसूरत। अष्टावक्र 8 साल के हैं, राजा जनक दरबार में घोषणा करते हैं कि मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ, ऐसा ज्ञान जिससे जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति हो जाए। देखो राजा भी कैसा राजा है, ऐसा बुद्धिमान राजा, उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान हैं, वो अपने अपने तरीके से राजा को ज्ञान देने की चेष्टा करते हैं। पर केवल ज्ञान होना, विद्वान होना काफ़ी नहीं है ब्रह्म ज्ञान देने के लिए, खुद ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ेगा। अगर आपका स्वयं का मन विषयों में लिप्त है, संसार को बहुत सत्य मान रहा है, उसके पीछे भाग रहा है या उससे भाग रहा है, अगर आपके मन में समता का महत्व नहीं है, अगर आपको आत्मदर्शन नहीं हुआ है, तो आपकी बातें ज़्यादा असर नहीं करती हैं। तो राजा संतुष्ट नहीं होते हैं किसी की भी बात से। अब अष्टावक्र आते हैं, 8 साल का बालक है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, 8 जगह से मुश्किल से चल पाता है। वो आकर राजा से कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप जिज्ञासु हैं, पर कहीं आप केवल बुद्धि के विलास में ही तो ही नहीं उलझे हुए हैं? बुद्धि का विलास अलग बात है, आत्मदर्शन अलग बात है, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स आप बहुत बड़े आर्गुमेंट्स कर सकते होंगे, आप दूसरों को शास्त्रार्थ में हरा सकते होंगे, आप किताबें लिख सकते होंगे, आप बहुत डिस्कोर्सेस दे सकते होंगे, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको आत्मदर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जब अष्टावक्र ये बात कर रहे हैं तो दरबार के बाकी विद्वान हंस रहे हैं कि ये मूर्ख बालक टेढ़ा मेढ़ा ये राजा से ब्रह्म ज्ञान की बात करने आया है। अष्टावक्र राजा को संबोधित करते हैं कि मैं पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मैं एक मोचियों की सभा में आ गया हूँ, उनकी बात में गंभीरता है, वे हंस नहीं रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बहुत सोच समझ कर गंभीर बात कह रहे हैं। दरबारियों को, बाकी विद्वानों को क्रोध आता है, राजा शांति से सुन रहे हैं। अष्टावक्र से पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अष्टावक्र कहते हैं कि जिसकी नज़र हाड़ मास के शरीर पर हो, चर्म पर हो, चमड़े पर हो, वो मोची ही तो है। जो आपके ये बड़े बड़े विद्वान हैं, वे आत्म तत्व देख ही नहीं रहे हैं, शरीर देख रहे हैं, चमड़ा देख, इसलिए मैं उनको मोची कह रहा हूं। राजा हाथ जोड़ देते हैं, बाकी विद्वान भी हाथ जोड़ देते हैं कि बात तो बच्चा ठीक कह रहा है। फिर उसके बाद राजा उनके शिष्य बनते हैं, और फिर उसके बाद वो जो
महानतम गीत है, अष्टावक्र गीता, उसका उपदेश दिया जाता है। राजा को भी ब्रह्म दर्शन होता है। समझने की बात यह है कि अपनी दृष्टि चमड़े से हटाएं, आत्म तत्व में लगाएं, ब्लिसफुल अवेयरनेस, जो प्रकाश है, जो तत्व है, जो परब्रह्म परमात्मा का अभिन्न अंश है, उस पर स्थित करें। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ब्रह्म दृष्टि स्थिर हो। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ओम तत्सत्।